बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। कमेंट्स में सवाल किया गया कि क्या हामला औरत या दूध पिलाने वाली रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती। तो इस हवाले से ये है कि अगर हामला औरत या बच्चे को दूध पिलाने वाली को अपनी या बच्चे की जान का ख़तरा हो, यानी उसे गालिब यकीन हो कि उसकी जान को ख़तरा है या बच्चे की जान को ख़तरा है, तो इस सूरत में उलमा फरमाते हैं कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। और अगर जान का ख़तरा ना अपनी जान का हो ना बच्चे की जान का ख़तरा हो तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर जान का ख़तरा उसे है तो वो रोज़ा छोड़ दे और बाद में फिर उसकी कज़ा कर ले, जैसा कि फतावा आलमगीरी, ये फतावा आलमगीरी इसके सफ़ा नंबर 207 जिल्द नंबर 1 पर फरमाते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत को अपनी या अपने बच्चे की जान का अंदेशा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है और इसकी कज़ा करेगी, इन दिनों पर इसका कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह अल्लुबाब फ़ी शरहिल किताब के अंदर भी यही बात है कि हामला औरत या दूध पिलाने वाली को अगर अपनी या बच्चे की जान का ख़तरा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी, ना कि उसका कफ़ारा अदा करेगी।